झारखंड में कब होंगे पंचायत चुनाव? अबुआ राज में गांव की सरकार कब? पंचायत चुनाव कराएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। क्या गांव गिराओं के मुद्दों से मुंह चुरा रही है सरकार? झारखंड में पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर 2020 में ही समाप्त हो चुका है। इसके बाद पंचायतों को दो बार विस्तार दिया गया, लेकिन ऐसे विस्तार का क्या फायदा जब पंचायतों को फंड ही नहीं मिल रहा? विकास के काम को छोड़ दीजिए, पंचायत भवनों के रख रखाव के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में झारखंड पूछ रहा सवाल, पंचायत चुनाव कब कराओगे सरकार? ये पंचायत चुनाव के लिए सारी चीज हम लोग तैयार कर लिए हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे चुनाव आयोग से, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करके हम लोग का जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हम लोग करते हैं बहुत जल्दी कराएंगे। हो सकता है कि मार्च खत्म होते होते हो जाए, हो सकता है कि मार्च के 10 दिन बाद ही हो, लेकिन सरकार जो है चुनाव महामारी को देखते हुए, सरकारी गाइडलाइन को देखते हुए चुनाव हम लोग कराने का लिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पंचायत चुनाव के मुद्दे पर भाजपा लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर है। भाजपा का आरोप है कि हेमंत सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, गांव में विकास का कोई काम नहीं हुआ, चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं होंगे लेकिन जनता कांग्रेस और झामुमो समर्थित उम्मीदवारों को हरा न दे, इसी डर से हेमंत सरकार टाल मटोल कर रही है। अच्छी बात है जल्द हो जाएगी, लेकिन सरकार तो महीनों से बोल रही है कि जल्द होगी, वो जल्द का क्या अर्थ होता है मुझे पता नहीं। जैसे विधानसभा के अंदर लोग बोलते हैं ना, जो मेंबर पूछता है कि कब होगा तो होगा, अब सिरता सिर का अर्थ समझ लीजिए। तो उसी प्रकार सरकार के जल्द कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि श्रीमान सरकार जी इसका पंचायत का चुनाव जल्द करा दीजिए, लेकिन ये जल्द कब आएगा ये भगवान, जैसे बोलता है ना कल, अब कल कब आएगा पता नहीं, तो उसी टाइप से जल्द कब आएगा ये पता नहीं। सरकार की तीसरी सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल पंचायत चुनाव टलने के पीछे कोरोना को बड़ी वजह मानती है। राजद नेता राजेश यादव का कहना है कि झारखंड भाजपा को पहले केंद्र की मोदी सरकार से पूछना चाहिए कि अभी पंचायत चुनाव कराना ठीक होगा या नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरवान में झांकना होगा, तब जाकर के हमारे ऊपर राष्ट्रीय जेएमएम सरकार के महागठबंधन सरकार पर आरोप लगावे। दीपक प्रकाश जी जो बोल रहे हैं या उनके नेता जो बोल रहे हैं, जब हम लोग बोलने लगेंगे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग, जब उनका बोलने, हम लोग का आदत नहीं है किसी के खिलाफ में जाना, व्यक्तिगत हमला करना हमारी आदत नहीं है, जिस तरह से उन लोगों का भाजपा का आदत है। अब हम व्यक्तिगत हमला जब करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कौन बचेगा, कौन लोग हैं, हम सबको जानते हैं। झारखंड जेडीयू का आरोप है कि हेमंत सरकार कोरोना का बहाना बना रही है। इसी कोरोना काल में बेरमो और मधुपुर में उपचुनाव हुए, बीच में कोरोना नहीं था, उस वक्त इन्होंने पंचायतों को एक्सटेंशन दे दिया, जबकि वे चाहते तो उसी दौरान चुनाव भी करवा सकते थे। कोरोना तो बीच में नहीं था, पंचायत का कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो चुका है, यहाँ फिर एक्सटेंशन के चुनाव इनको उसी समय करवा देना चाहिए। बिहार में पंचायत चुनाव हुए अभी पिछले महीने समाप्त हुआ चुनाव काफ़ी अच्छे ढंग से, और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, क्या वहाँ कोरोना नहीं था, वहाँ उससे महामारी फैल गई चुनाव से, ये चुनाव से डर रहे हैं। लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल तक ले जाने की सबसे बड़ी कवायद है पंचायत चुनाव, फिर हेमंत सरकार तो खुद को गांव की सरकार कहती है, ऐसे में पंचायत चुनाव का टलना निश्चित तौर पर अच्छे संकेत नहीं है। पाकुड़ से कार्तिक के साथ रांची से संजीव सिन्हा की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।